हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्रचार और इम्प्रूवमेंट वाले छात्रों को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट आप सभी को देने, और तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई द्वारा हर साल जो बोर्ड एग्जाम लिए जाते हैं उसमें सीबीएसई रेगुलर विद्यार्थियों के और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं सभी के एक साथ एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। बट ऐसे में दोस्तों इस साल जो सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवा रहे, जो बोर्ड एग्जाम हो रहे, वो दो भागों में लिए जा रहे हैं, यानी टर्म वन और टर्म टू। तो इस वजह से सीबीएसई ने अभी तक जो है प्राइवेट छात्रों के लिए, कंपार्टमेंट वाले छात्रों के लिए जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, जो पत्रचार वाले छात्र हैं उनके लिए अगर कोई भी नोटिफिकेशन सीबीएसई ने अभी तक जारी नहीं दिया था और जारी नहीं किया था कि क्या वो बच्चे जो है टर्म वन में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बट सीबीएसई ने दोस्तों इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस जो है 9 नवंबर 2021 को सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें सीबीएसई ने साफ और साफ क्लियर कर दिया कि इस बार जो एग्ज़ाम दो भागों में लिए जाने की वजह से अभी तक हमने जो है जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं और इम्प्रूवमेंट वाले हैं, जो सेकंड चांस इम्प्रूवमेंट वाले छात्र हैं और पत्रचार वाले जो छात्र हैं उनके लिए जो है कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। बट सीबीएसई जल्दी ही इन छात्रों को लेकर दोस्तों जो है अपने वेबसाइट पर एक एडमिशन फॉर्म जारी करेगी, जिसमें आप जो है एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कब आएगा, किस टाइम आएगा, इसको लेकर सीबीएसई ने अभी कुछ भी नहीं कहा, बट जल्दी दोस्तों आपके लिए फॉर्म आ जाएगा। और सीबीएसई ने कह दिया क्लियर तरीके से, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि आपको जो है टर्म वन देने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट जो है जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला टर्म टू के उसको देकर ही आप जो है अपने जो है कह सकते हैं कि आपको आंका जाएगा, उसी आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, यानी टर्म टू के आधार पर ही। टर्म वन चाहे आप दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्राइवेट वाले छात्र हैं, इम्प्रूवमेंट वाले छात्र हैं, पत्रचार और कैंडिडेट हैं, कंपार्टमेंट वाले हैं, तो उन्हें टर्म टू के आधार पर ही उनका मूल्यांकन, उनका आकलन किया जाएगा, उसी आधार पर ही उन्हें दोस्तों नंबर दिए जाएंगे जो सभी के साथ आप सभी एग्जाम होंगे। तो इसको लेकर सीबीएसई जल्द ही दोस्तों एक फॉर्म जारी करेगी जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीबीएसई ने इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है वो सबसे मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। सीबीएसई ने क्या लिखा है कि दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु विश टू अपीयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स एंड बिलोंग्स टू सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैटेगरी, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी, फेलियर कैंडिडेट्स, वुमेन एंड CWSN कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली एंड एडिशनल सब्जेक्ट पत्रचार। तो ये सभी जो हैं बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो सीबीएसई जल्द ही इसके लिए फॉर्म जारी करेगी। और इसके लिए जो सीबीएसई विल शॉर्टली इश्यू रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन फॉर द प्राइवेट कैंडिडेट ऑन वेबसाइट फॉर सबमिशन ऑफ देयर जो कैंडिडेट है जो अपने फॉर्म भर सकते हैं। जल्दी इसके लिए दोस्तों सीबीएसई एक फॉर्म जारी करेगी जहां आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और बहुत कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, जो थोड़ी देर बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को सारी चीज़ क्लियर करूँगा कि क्या जो जुलाई वाला जो रिजल्ट आया था उसके बाद जो बच्चे ने फॉर्म दिया था, अगस्त में पेपर दिया था, उन बच्चों में जाकर जो आज जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई आरटीआई है, तो क्या वो बच्चे भी इस वाले एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप सभी तक हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।